एक और वीडियो कान से रिलेटेड, मगर उससे पहले अनाउंसमेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। पहला, सारे टेक चैनल्स में सबसे बढ़िया टेक चैनल है, गारंटीड। और दूसरा बेनिफिट लेने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा सब डीथन, और मैं आपको अगली वीडियो में मेंशन कर दूंगा आपका कमेंट दिखा के। सबसे पहले अनबॉक्सिंग में शाइन देख लो। बॉक्स कुछ ऐसा आपको देखने में मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसके नीचे क्या है। चार्जिंग केबल और ऑक्स केबल, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है इसके अंदर, और मेरे हिसाब से CSK है। काफ़ी सारे पेपर्स हैं, तीन हैं, और ये चार्जिंग केबल और ऑक्स केबल। अब बारी आ गई हेडफोन को बाहर निकालने की। बोटमैन यहाँ से एडजस्ट होता है। ये कैसा दिख रहा हूँ मैं? जी टट्टी लग रहा है, टट्टी। कुत्ते शक्ल देख के उल्टी करना चालू हो जाए, ऐसी शक्ल है तेरी। निहायती वाहियात। बीड़ी के कारखाने के मजदूर में काम करने वाला, तंबाकू खाने वाले के जेब से पैसे चुराने वाला लग रहा है। तो यार, अगर आप 1000 रुपए के अंदर एक सही बेस और बढ़िया साउंड क्वालिटी वाली हेडफोन ढूंढ रहे हो तो यार Boat Rovers 450 इज द बेस्ट है या नहीं आपको वीडियो में पता चलेगा, और हाँ रिव्यू शॉर्ट होने वाली है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। है तो ये काफ़ी लाइट वेट, बट इसका काफ़ी रोबस्ट डिज़ाइन है। ये ऑन ईयर ब्लूटूथ हेडफोन्स की कैटेगरी में आता है। इसके पैडेड ईयर कुशंस की वजह से ये हेडफोन आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा यूज़ करने में, और एज यू कैन सी इसका डिज़ाइन भी काफ़ी स्मूथ है। बॉडी पे प्रीमियम मैट फिनिश दी गई है। इसके ईयर कप्स और हेड बैंड्स अडैप्टिव हैं ताकि ये हर तरीके के सिर पे फिट हो जाए। इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स इसके ईयर कप्स पे दिए गए हैं ताकि आप इजीली यूज कर सको इन्हें। आप इसे म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट भी एक्टिव कर सकते हो। इसमें ब्लूटूथ V4.2 का सपोर्ट है, और इसकी एक खास बात है कि इसको आप अपने डिवाइस से बस एक ही नहीं बल्कि दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, पहला तो ब्लूटूथ और दूसरा ऑक्स केबल। बाय द वे इसके थ्रू बात करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें इनबिल्ट माइक इन्होंने दे रखा है। तो यार बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यार सबसे पहले तो बोट के सारे हेडफोन्स में काफी सही साउंड क्वालिटी होती है, यूनिवर्सल है यार, इंक्लूडिंग एक बढ़िया बैस भी। और इस हेडफोन में 40mm के डायनेमिक ड्राइवर्स भी यूज हुए हैं जिसकी वजह से आप काफी इमर्सिव HD हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस कर सकोगे, और इसी 40mm के डायनेमिक ड्राइवर्स की वजह से भी आपको काफी हैवी बैस भी सुनने को मिलेगा इसमें। तो यार 1000 के आसपास आपको कोई हेडफोन लेना है तो यार मैं तो स्ट्रांगली यही रिकमेंड करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे आप सिंगल टच करके ही गूगल असिस्टेंट को या सीरी को एक्टिवेट कर सकोगे, और हैंड्स फ्री कॉल भी काफी इजी हो जाएगा इसके इनबिल्ट माइक की वजह से। और बहुत सारे यूजर्स ने कंफर्ट और साउंड में काफी सही स्कोर किया है इसे। नॉइस कैंसिलेशन बहुत बढ़िया नहीं है बट अच्छा है। अब बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग के बारे में। मैं ज्यादा बड़ी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि बोट सबसे ज्यादा साउंड और अपने डिजाइन पे काम करता है, बट सरप्राइजिंगली इसमें 300mAh की बैटरी लाइफ है जिसकी वजह से आप 8 घंटे लगातार म्यूजिक सुन सकते हो। 8 घंटे यार, ये 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो यार सबसे पहले कॉन्स, एवरेज नॉइस कैंसिलेशन और पुराना ब्लूटूथ V4.2 का सपोर्ट। प्रोज के बारे में बात करूं तो यार बहुत सारे हैं। इमर्सिव HD ऑडियो, डीप बैस, 300mAh की बैटरी जिसकी वजह से आपको 8 घंटे का प्ले टाइम देखने को मिलेगा, कंफर्टेबल डिजाइन, लाइट वेट डिजाइन, अडेप्टिव हेडबैंड, इजी एक्सेस कंट्रोल्स, बिल्ट इन माइक, वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, ब्लूटूथ प्लस ऑक्स कनेक्टिविटी एंड 1 ईयर वारंटी। अब आते हैं कंक्लूजन पे। इस रिव्यू के बाद आपको इसके मैसिव बैस, लॉन्ग बैटरी लाइफ बैकअप, डुअल कनेक्टिविटी, HD ऑडियो के बारे में पता चल ही गया होगा। इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, इसका नॉइज कैंसिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है और ब्लूटूथ V4.2 का सपोर्ट है। इस प्राइस में कितना एक्सपेक्ट करोगे? जितना है वो बहुत है। फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्टेबिलिटी का काफी ध्यान रखा गया है इसमें इतने कम प्राइस पे। कमेंट्स में ये भी बता सकते हो मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊं, और देखिए मेरी लास्ट वीडियो रियलमी बड्स YouTube पे, मजा आएगा। बाय।